हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकल ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट पीरियड में हमने आर्टिकल देखा था, उसके रूल्स देखे थे कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन सा है, और उनके सामने कौन से आर्टिकल यूज करना चाहिए ये भी हमने देखा था। तो बच्चों, आपको पेज नंबर ओपन करना है, जैसे कि ये इंग्लिश ग्रामर का टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 45 और लेसन नंबर 8 आपने ओपन किया बुक्स, वेरी गुड। और आपके पास में पेंसिल और नोटबुक भी होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट हियर, यहाँ पर जो वॉवेल्स दिखाई दे रहे ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स है, और इस वॉवेल से जो भी हम वर्ड लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उनके सामने एन चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था। और ये जो लेटर्स यहाँ पर आर्टिकल दिख रहा है ए, तो इनके सामने जो लेटर्स दिखाई दे रहे 21, तो ये कंसोनेंट लेटर्स है। और द आर्टिकल, ये ए और एन और ए कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनेट आर्टिकल, और द इज द डेफिनेट आर्टिकल। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए, ये वॉवेल से ए लेटर से हम अभी वर्ड बनाएंगे, एप्पल। तो एप्पल स्टार्ट हो गया है ए लेटर से, है ना। तो इसके सामने हमें कौन सा आर्टिकल यूज करना चाहिए? यस, एन एप्पल, एन एप्पल। क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड आ रहा है वो कौन सा है? यस, वॉवेल्स का साउंड आ रहा है ना, एन एप्पल। देन ई, एलिफेंट, इसके सामने भी हमें एन एलिफेंट। क्यों आप बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो लेटर बिगिंस लेटर जो हम देख रहे हैं वो कौन सा है? वॉवेल्स से शुरू हो रहा है, इसलिए है हम यहाँ पर आर्टिकल कौन सा यूज कर रहे हैं? एन आर्टिकल। नेक्स्ट, आई से वर्ड बनता है आइसक्रीम। ओके, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? एन आर्टिकल। देन ओ लेटर से, जैसे कि ऑरेंज, ये एक वर्ड है, तो ओ से भी, ओ क्या है? वॉवेल से, और इसीलिए हमें एन आर्टिकल यूज करना है। ओके स्टूडेंट। देन यू, यू मीन्स कोई भी अम्ब्रेला, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे यू लेटर से बिगिंस वर्ड होता है, इसीलिए एन अम्ब्रेला। लेकिन जब मैं बताऊंगी, यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हॉर्स, उसका साउंड क्या होता है? एस से साउंड आता है, कंसोनेंट से साउंड आता है, तो उनके लिए हमने ए आर्टिकल यूज किया। लेकिन जो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, ये वर्ड आप रीड करो। यस, कौन सा है? ऑनेस्ट। इसका जो साउंड आ रहा है वो कौन से लेटर से आ रहा है? ओ लेटर से, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे हम, ऑनेस्ट बोलेंगे क्या? नहीं, इसका जो एच लेटर होता है वो क्या होता है? साइलेंट होता है, इसलिए हम ये एच को छोड़ के हम ओ जो देखेंगे, ये ओ क्या है? वॉवेल से, और वॉवेल्स का साउंड आ रहा है, इसलिए इस वर्ड के सामने हमें कौन सा आर्टिकल यूज करना है? एन आर्टिकल। क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड आ रहा है वो ओ लेटर से आ रहा है, ओ वॉवेल से आ रहा है, इसलिए एन ऑनेस्ट। देन अगेन वन एग्जाम्पल, और हम क्या बोलेंगे? आवर और आर। तो ये जो ओ लेटर, यहाँ पर भी हम क्या यूज करने वाले हैं? यस, एन आवर, ऐसे बोलेंगे। एच इज द साइलेंट लेटर, दैट्स व्हाई। ओके स्टूडेंट, डिड यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। सो लुक एट हियर ए आर्टिकल। तो ये जितने भी आपको कंसोनेंट लेटर दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे इनके सामने आपको क्या यूज करना है? जैसे कि कोई भी, अ बुक, अ कैट, अ डॉग, अ फैन, अ गोट, अ हेन, इस तरह से पूरे वर्ड्स को, जैसे कि फर्स्ट टाइम हम बात कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं, उस समय हमें ए आर्टिकल यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट हियर, दिस इज, यहाँ डैश दिया है, दिस इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट बुक। अभी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी जनरल बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें ए आर्टिकल यूज करना है, दिस इज अ ब्रिलियंट बुक। और ये जो वर्ड आया है, जो लेटर से वर्ड स्टार्ट हो गया है, वो कौन से लेटर से स्टार्ट हो गया? वी लेटर, और वी लेटर क्या है? कंसोनेंट है, दैट्स वाई हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ा? ए आर्टिकल, दिस इज अ ब्रिलियंट बुक, ये हमने बोला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम बात कर रहे हैं और जनरल बात कर रहे हैं, तो हमें ए आर्टिकल यूज करना है। देन हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में या स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तब हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, और वो है द आर्टिकल, ये यूज करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, सेकंड टाइम हम जब बात करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, सेकंड टाइम हम बात करते हैं या स्पेसिफिक
थिंग के बारे में अगर बात करते हैं तब हमें द आर्टिकल, और दुनिया में ऐसी एक ही चीज हो उनके लिए भी हमें द यूज करना पड़ता है, जैसे कि द सन, सन एक ही है इसलिए द सन द आर्टिकल यूज करना है, द मून वो भी हमें द आर्टिकल यूज करना है, द मून द सन, ओके स्टूडेंट, देन माउंट एवरेस्ट इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, द ईस्ट द वेस्ट, ये जो डायरेक्शन के लिए भी हम द यूज कर सकते हैं, जैसे कि द गंगेज द हिमालया द रामायणा, ये भी हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं इनके सामने, द हिंदूज, जैसे एक ही हो दुनिया में ऐसी एक ही चीज हो जिनके लिए हम द आर्टिकल यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल एक ही है तो द ताजमहल इस तरह से। अभी मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखना चाहूंगी, आई एट पियर, लुक एट स्टूडेंट, आई एट डैश पियर, अभी यहाँ पर आर्टिकल फिलअप नहीं किया है, देन पियर वॉज स्वीट, ओके लुक एट हियर, आई एट डैश पियर देन डैश अगेन पियर वॉज स्वीट, यहाँ पर वन सेंटेंस कंप्लीट हुआ और सेकंड सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ। तो देखिए फर्स्ट टाइम जब आप बात करते हैं तो ए और एन आर्टिकल यूज करना है, लेकिन बिगिंस जो वर्ड होना लेटर होना चाहिए वो कौन सा कंसोनेंट देखना है और वॉवेल्स देखना है, तब जाके आपको यहाँ ए और एन आर्टिकल यूज करना है। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए पी है तो पी लेटर क्या है, कंसोनेंट लेटर है, इसके इसीलिए हमें यहाँ पर कौन सा आर्टिकल चाहिए, ए आर्टिकल, जैसे आई एट अ पियर ये हो गया। क्यों यहाँ पर हमने ए आर्टिकल यूज किया है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, है ना, इस चीज के बारे में हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, इसलिए आई एट अ पियर, ओके। व्हेन वी टॉक सेम थिंग, अभी पियर के बारे में हम दोबारा बात कर रहे हैं, सेकंड टाइम हम जब बात कर रहे हैं तो उसके सामने हमें द आर्टिकल यूज करना है, क्योंकि वो उस चीज के बारे में हमें पता चला है, द पियर वॉज स्वीट, अभी हमें इसके सामने कौन सा आर्टिकल यूज करना है, द आर्टिकल, क्यों, क्योंकि उस पियर के बारे में हमें पता चला है सेकंड टाइम, जब हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं तो ए और एन आर्टिकल यूज करो, और जब सेकंड टाइम हम बात करते हैं स्पेसिफिक थिंग के बारे में तब द आर्टिकल यूज करना चाहिए, द पियर वॉज स्वीट, ओके स्टूडेंट, सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन ट्रिक फॉर यू, ओके, सो लुक एट हियर, ओके स्टूडेंट, सो लुक एट हियर, आई वुड लाइक टू टेल यू वन ट्रिक्स, मीन्स हमें यहाँ पर एक ट्रिक्स दिखाई दे रही है, ग्लास ऑफ यूपी डीएमआर, ये ध्यान में रखना है कि इनके सामने हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है, क्या नहीं यूज करना है, आर्टिकल यूज नहीं करना है, इसके पहले हमने देखा था कि कहाँ पर यूज करना है आर्टिकल और कहाँ पर, अभी देखेंगे कि कहाँ नहीं यूज करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो लेटर लेते हैं जी लेटर, लुक एट हियर, जी लेटर से बनता है गेम्स, एक ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहूंगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कहां पर आर्टिकल यूज नहीं करना चाहिए, इरर करना चाहिए आर्टिकल्स को, जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है जी लेटर है ना, जी लेटर से गेम्स है, तो कोई भी गेम्स का नाम जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है, बैडमिंटन है, इन गेम के सामने हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है, रिमेंबर दैट, देखो माय डियर स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, इनके सामने कोई भी गेम्स का नाम हो तो उनके सामने हमें कोई भी लेटर ऐड नहीं करना है, लिखना ही नहीं है आर्टिकल, जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने बोला है कि क्रिकेट, तो इनके सामने हमें क्या यूज नहीं करना है, आर्टिकल यूज करना ही नहीं है कोई भी गेम का नाम हो। देन एल लेटर से होता है लैंग्वेजेस, एल ए एन जी यू ए जी ई एस, लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेजेस होती है, मराठी है, हिंदी है, तमिल है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, तो उनके सामने भी हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है, रिमेंबर दैट वन थिंग, जैसे कि मराठी, अमराठी हम बोल नहीं सकते, द मराठी हम बोल नहीं सकते, द इंग्लिश हम ऐसे बोल नहीं सकते, तो उनके सामने हमें लैंग्वेजेस के सामने कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। देन अ से होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको तो पता ही है स्टूडेंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जैसे कि गुणवाचक, जैसे कि उनमें क्वालिटीज होती है, वो हिडन क्वालिटीज होती है, जैसे कि ऑनेस्टी, तो
ऑनेस्टी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वर्ड, तो उनके सामने हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है। डार्कनेस है, ह्यूमैनिटी है, सिंप्लिसिटी है ना, इन पॉवर्टी है, उनके सामने हमें क्या यूज नहीं करना है, आर्टिकल यूज करना नहीं है। कौन से इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्ड आता है उनके सामने हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है। देन एस लेटर, अभी देखना चाहेंगे एस लेटर। एस लेटर से सब्जेक्ट्स होता है, एस लेटर से क्या होता है, सब्जेक्ट्स। तो जो हम सब्जेक्ट बोलते हैं जैसे कि हिंदी, मराठी, इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है इनके सामने हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है। मैथ्स और मैथ हम बोलेंगे नहीं, द मैथ ऐसे बोलेंगे नहीं, एंड मैथ ऐसे बोलेंगे नहीं। तो कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, विषय का नाम हो, तो हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है। देन यस से देखेंगे अभी, सीजन, यस से क्या होता है, सीजन। तो जैसे रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, समर सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, तो इनके सामने भी हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है। और रेनी सीजन ऐसे नहीं बोलेंगे, विंटर सीजन ऐसे नहीं बोलेंगे, यानी सीजन के सामने आपको आर्टिकल यूज करना ही नहीं है। ये ट्रिक्स है, ध्यान में रखना है कि किसके सामने आपको आर्टिकल यूज करना ही नहीं है। देन नेक्स्ट है, हम देखना चाहेंगे ऑफ, ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है, तो ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं ओ एफ, ऑफ। तो ऑफ जब भी हम लिखते हैं आउट ऑफ, आउट ऑफ, तो इसके पहले हमें आर्टिकल यूज करना नहीं है, ये एक थिंग। देन सेकंड लॉट ऑफ, ये भी एक है, तो आउट ऑफ और लॉट ऑफ ऐसे वर्ड आते हैं तो इनके सामने भी हमें आर्टिकल यूज करना नहीं है। ओके, देन एफ लेटर से हम देखना चाहेंगे कि फेस्टिवल, एफ लेटर से स्टार्ट होता है फेस्टिवल। जितने भी फेस्टिवल होते हैं उनके सामने भी हमें आर्टिकल यूज करना ही नहीं है। होली, दिवाली, ये जो फेस्टिवल्स है, ईद है ना, तो इनके सामने हमें आर्टिकल यूज करना है क्या, नहीं यूज करना है। डियर स्टूडेंट लुक एट हियर केयरफुली, इनके सामने हमें कोई भी आर्टिकल लगाना नहीं है, रिमूव करना है। अगर आपको बोला गया कि आर्टिकल यूज करो, तो इनके सामने आर्टिकल कभी भी नहीं लगाया जाता। जैसे कि द दिवाली ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। द होली ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं। डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी सेंटेंस में अगर आपको फेस्टिवल दिखाई दिया, फेस्टिवल का नाम दिखाई दिया, तो आपको आर्टिकल यूज करना नहीं है। देन यूपी ऑफ, ओके, तो यू से होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि हम कोई भी चीज जो काउंट नहीं कर सकते उनके सामने आर्टिकल यूज नहीं करना है। शुगर, मिल्क, मिल्क बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। द मिल्क बोलेंगे क्या, नहीं। द शुगर बोलेंगे क्या, नहीं। तो जो भी अनकाउंटेबल थिंग है जिससे हम कोई भी काउंट नहीं कर सकते, उनको अनकाउंटेबल कहा जाता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के सामने भी हमें आर्टिकल यूज किया नहीं जाता। नेक्स्ट, यहाँ जो पी लेटर दिखाई दे रहा है, तो पी लेटर से होता है प्रॉपर नाउन। लुक एट हियर, प्रॉपर नाउन, इनके सामने भी हमें कभी भी क्या यूज करना नहीं है, आर्टिकल यूज करना नहीं है। जैसे कि अनिल नाम है, राधा नाम है, सीता नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है, तो इनके सामने भी हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है। रिमेम्बर दैट वंस अगेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे कि द अनिल, अ अनिल ऐसे नहीं बोल सकते, ये परफेक्ट नेम है, स्पेसिफिक नेम है, इसीलिए यहाँ पर हमें क्या यूज नहीं करना चाहिए, प्रॉपर नाउन के साथ आगे हमें आर्टिकल यूज नहीं करना चाहिए। देन यहाँ पर जो डीएमआर आपको दिखाई दे रहा है, तो डी से होता है डिसीज, डिसीज है ना, तो ये डिसीज के सामने कोई भी रोग हो, है ना, मलेरिया है, प्लेग है, टीबी है, ऐसे जो डिसीज होते हैं उनके सामने भी हमें क्या यूज नहीं करना है, आर्टिकल यूज करना नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ जो एम लेटर दिखाई दे रहा है, तो एम लेटर से क्या होता है, मील, एम ई ए एल एस, मील्स, जो हम खाना खाते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ऐसे बोलते हैं ना, तो द ब्रेकफास्ट, द लंच ऐसे नहीं बोलना है, द डिनर ऐसे नहीं बोलना है, डायरेक्ट आप डिनर बोल सकते हैं या लंच बोल सकते हैं। ओके, तो इनके सामने भी हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है। देन लास्ट आर लेटर, तो आर ये लेटर होता है रिलेशन,
हमें रिलेशन के लिए यूज करना है, जैसे ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, ऐसे जो रिलेशन होते हैं उनके सामने भी हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है? ये ट्रिक्स आपको ध्यान में रखना है, आपके माइंड में ये रखना है कि ग्लास ऑफ यूपी डीएमआर। तो देखो यहाँ पर जो इसमें बुक्स में जो एक्सरसाइज दी है वो आपको करना है, पेज नंबर 45 के बाद पेज नंबर 46 यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी गई है वो भी आपको करना है। लुक एट हियर, पेज नंबर 46, देन ए एक्सरसाइज, देन दैट साइड बी एक्सरसाइज। ओके, तो आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो चुका होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।